नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन, शाम 7 बजे तक दिल्ली आवास पर रखी जाएगी पार्थिव देह, अंतिम संस्कार कल ग्वालियर में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 75 साल की थीं। पिछले 2 महीने से बीमार होने से दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। उन्होंने बुधवार सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। पार्थिव देह बुधवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक उनके दिल्ली वाले आवास पर रखी जाएगी। फिर गुरुवार सुबह 11 बजे ग्वालियर लाई जाएगी। यहां दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। अंतिम संस्कार ग्वालियर में शाम 5 बजे किया जाएगा। माधवी राजे के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया। CAA के तहत पहली बार 14 शरणार्थियों को मिली भारत की नागरिकता, जारी हुए सर्टिफिकेट। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने बुधवार 15 मई को ये जानकारी दी। 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद CAA कानून बन गया था। 11 मार्च 2024 को CAA देश में लागू किया गया। CBI ने FD की ब्याज दरें बढ़ाई। 180 से 210 दिन तक की FD पर मिलेगा 6% रिटर्न। SBI ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 46 से 169 दिन तक की FD की ब्याज दर को 4.75% से बढ़ाकर 5.50% किया है। वहीं 180 दिन से 210 दिन तक की FD पर ब्याज 5.75% की बजाय 6% किया गया है। इसी तरह 211 दिन से 1 साल से कम समय की FD पर अब 6% की जगह 6.25% ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 15 मई से लागू होंगी। बंगाल गवर्नर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का दूसरा केस। डांसर बोली, बोस ने दिल्ली के होटल में शोषण किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक और केस सामने आया है। उन पर एक उड़ीसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज कराई गई थी। बंगाल पुलिस ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले राजभवन की संविदा कर्मी ने बोस पर आरोप लगाए थे। चार धाम यात्रा 45 किलोमीटर लंबा जाम, इंतजार में 11 की मौत। राज्यों को लेटर, 31 मई तक कोई VIP न भेजें। 10 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा में भीड़ जाम के चलते 11 लोगों की मौत हो गई है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के रास्ते 45 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। मंदिर जाने वाली गाड़ियों का नंबर 20 से 25 घंटे बाद आ रहा है। DGP ने अपील की है कि 31 मई तक कोई VIP दर्शन करने न आए। 4 दिनों में अब तक 2,76,416 श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। PM मोदी का महाराष्ट्र दौरा, बोले, कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। PM मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। जिंदोरी में उन्होंने कहा, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती हैं उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी ये धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा करना चाहते हैं। PM इसके बाद कल्याण में जनसभा करेंगे, शाम को मुंबई में रोड शो करेंगे। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर 5वें फेज में 20 मई को वोटिंग होगी। राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी लहराई, बोले, भाजपा के नेता कहते हैं इसे फाड़ कर फेंक देंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को ओडिशा के बलांगीर में एक रैली में कहा, भाजपा के नेता कहते हैं अगर वे लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो इस किताब यानी संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा या नरेंद्र मोदी तो दूर, दुनिया की कोई भी शक्ति संविधान को नहीं छू सकती। T20 वर्ल्ड कप से पहले एक वार्म अप मैच खेलेगा भारत। टीम 25 मई को अमेरिका जाएगी। टीम इंडिया अमेरिका और वेस्ट इंडीज में अगले महीने खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले केवल एक वार्म अप मैच खेलेगी, बाकी टीमें 2 मैच खेलेंगी। टीम इंडिया का पहला बैच 25 मई को अमेरिका रवाना होगा। भारत का पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड से, दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान, 12 जून को तीसरा मुकाबला अमेरिका और
15 मई को चौथा मुकाबला कनाडा से होगा। उत्तराखंड जंगल की आग, सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार। आग कंट्रोल करने वाली अप्रोच ने निराश किया। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि राज्य सरकार की जंगल की आग पर कंट्रोल करने वाली अप्रोच बेहद निराशाजनक है। उत्तराखंड में अप्रैल के पहले हफ्ते में लगी आग से अब तक 11 जिले प्रभावित हुए हैं। जंगलों की आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आग से 1,316 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। पंचायत सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज। फुलेरा में होंगे पंचायत चुनाव, बन राकस और प्रधान जी में होगी जंग। प्राइम वीडियोस की हिट वेब सीरीज पंचायत के तीसरे सीजन का ट्रेलर बुधवार को रिलीज हुआ। 2.5 मिनट के इस ट्रेलर में फुलेरा गांव की राजनीति और प्रधान सचिव अभिषेक की लव स्टोरी की झलक देखने को मिली। शो के इस सीजन में टोटल 8 एपिसोड होंगे। दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित यह सीरीज 28 मई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।